Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स, ठीक है। द पोएम इंडियन व्यूवर्स प्रेजेंट्स द पिक्चर ऑफ अ ह्यूमन लाइफ फ्रॉम बर्थ टू डेथ। अब देखिए जो पोएम है इंडियन व्यूवर्स वो हम लोग क्या बता रहे हैं, एक इंसान का जन्म से लेकर मृत्यु तक का समय एक्सप्लेन इन अबाउट 80 वर्ड्स। अब 80 शब्दों में इसका आंसर लिखना है। आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं इसका आंसर, या तो अगर आप अपने वर्ड में ना लिख पाए तो मैं आपको जो यहाँ पे आंसर दे रहा हूं आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। द पोएम स्टार्ट्स विद अ न्यू बॉर्न चाइल्ड फॉर हुम द वीवर वीव्स ब्यूटिफुल ब्लू कलर्ड रोब्स एट द ब्रेक ऑफ द डे। ये कविता जो है वह आरंभ होती है एक बच्चे के जन्म से, सुबह का समय है और जो बुनकर है वो एक बहुत ही सुंदर नीले रंग का वस्त्र बना रहे हैं एक बच्चे के लिए जिसका जन्म हुआ है। द बर्थ द डे ब्रेक एंड द ब्लू कलर सिम्बलाइजेस फ्रेशनेस एंड अ न्यू बिगनिंग। जन्म, सुबह होना और जो नीला रंग है ये हमें बता रहा है कि सब कुछ माहौल बहुत ही अच्छा है और अभी दिन का शुरुआत हो रहा है। इन सेकेंड स्टैंड द पोएट टॉक्स अबाउट मैरिज व्हील्स द सेकेंड स्टेज इन ह्यूमन लाइफ फॉर विच द वीवर वीव्स गारमेंट सो ब्राइट पर्पल एंड ग्रीन एट द फॉल ऑफ नाइट। सेकेंड स्टैंजा में जो लेखिका है वह एक शादी के बारे में बात कर रही है। शादी में जो दुपट्टा जो नकाब उड़ा जाता है वो सेकेंड स्टेज है लाइफ का। आप जन्म लेते हो फिर आप शादी करते हो जहाँ पे सब कुछ बहुत ही चमकदार है, पर्पल रंग का, ग्रीन रंग का और शाम का समय है। इन द इट इज मिडिल स्टेज, ठीक है, ये आपके जीवन का मिडिल स्टेज है। इन द थर्ड स्टेंजा द पोएट टॉक्स अबाउट अ डेड मैन्स फ्यूनरल श्राउड। तीसरे स्टेंजा में जो पोएटिस्ट है वो एक मरे हुए व्यक्ति के कफन के बारे में बात कर रही है। इट इज द एंड ऑफ लाइफ, यहां पर जीवन खत्म हो जाता है। द वीवर्स वीव्स व्हाइट क्लोथ फॉर डेड मैन इन द मूनलाइट शेल। जो व्यूअर है वो रात को, आधी रात को सफेद रंग का वस्त्र बनाते हैं जिन मरे हुए व्यक्ति के लिए। द पोएम दस गिव्स अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ ह्यूमन लाइफ फ्रॉम बर्थ टू डेथ। तो ये जो कविता है वो हमें एक इंसान के जीवन को पूरा बता रहा है कि हम लोग जन्म लेते हैं फिर हम लोग मर जाते हैं। वी स्टार्ट टू लिव बर्थ एंड देन वी डाई। What did you learn from the poem Indian Weavers? Indian Weaver poem से आप क्या सीखते हैं? Weaving is the central activity of the poem. यहाँ पर कपड़ा बनाना, बुनना इस poem का central activity है, केंद्रीय काम है, केंद्रीय बिंदु भी आप इसे कह सकते हैं। But the poet gives the picture of different stages of life that brings joys and sorrows while stating about the beautiful robes that the weavers weave. लेकिन जो कवित्री हैं वो हमें जीवन के अलग अलग पड़ाव के बारे में बता रही हैं, खुशियों के बारे में बता रही हैं, दुख के बारे में बता रही हैं, अलग अलग जो रंग हैं इस्तेमाल करके जो बुनकर हैं वह बुनाई कर रहे हैं। वी ऑल्सो लर्न्ड वेज ऑफ शेयरिंग हैप्पीनेस एंड डीलिंग विद नेगेटिव फीलिंग्स एंड इमोशंस। हम लोग ये भी देखते हैं कि हम लोग किस तरह से अपनी खुशियों को बांट सकते हैं और हम लोग कैसे नेगेटिव फीलिंग्स और इमोशंस के संग डील कर सकते हैं। All of us go through happy and sad moments in life. हम लोग सभी अपने जीवन में बहुत बार खुश होते हैं, बहुत बार दुखी होते हैं। When we are happy state, we share our happiness with everyone. When we are sad, we cope with our negative emotions. जब हम लोग खुश रहते हैं तो हम लोग अपनी खुशी सबके साथ बांटते हैं और जब हम लोग दुखी रहते हैं तो हम लोग अपने negative emotions के साथ लड़ते हैं और उसे निकलने की कोशिश करते हैं। Question 3, what should we do when we are sad and depressed? हमें क्या करना चाहिए जब हम लोग दुखी रहते हैं या depression में रहते हैं? When we are sad and depressed, we should be positive. We should avoid being critical to ourselves. जब हम लोग दुखी रहते हैं तो हम लोगों को हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, हम लोगों को खुद पर उंगली नहीं उठाना चाहिए। We should take interest in others. हम लोगों को दूसरों में ध्यान देना चाहिए, दूसरों से बात करना चाहिए। We should involve ourselves in some physical activities like walking, running, cycling, dancing, etc. हम लोगों को कुछ physical activities करना चाहिए, जैसे walking करना चाहिए, दौड़ना चाहिए, cycling करना चाहिए, नाचना चाहिए। नाचना बहुत ही अच्छा होता है। We should also listen to music or watch some TV program. हम लोगों को गाना सुनना चाहिए और साथ ही साथ कुछ TV programs भी देखना चाहिए। We should pursue a hobby like painting, gardening, stitching, etc. हम लोगों को painting करना चाहिए, gardening करना चाहिए, stitching करना चाहिए या कोई भी hobby लेना चाहिए। How do you think the weavers really are? आपको क्या लगता है ये जो बुनकर हैं वो कैसे हैं?
द पोएम इन रियालिटी डिस्क्राइब्स थ्री स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ। ये जो कविता है ये हम लोग को इंसानी जीवन के तीन अलग अलग पड़ाव के बारे में बताती है। दीज आर बर्थ, यूथ एंड डेथ। ये क्या है, आप जन्म लेते हैं, आप जवान होते हैं, आप मर जाते हैं। द वीवर्स आर दस शोन वीविंग द थ्रेड्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो यहाँ पे जो बुनकर हैं वो हम लोग को ये दिखा रहे हैं कि वो कैसे एक इंसान के जीवन को बनाते हैं, एक इंसान के हर एक एक पड़ाव के लिए वह अलग अलग रंगों से उसको सजाते हैं। दे रिप्रेजेंट द ट्रिनिटी ऑफ ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश। वो ब्रह्मा विष्णु महेश ये हिंदू सभ्यता में सबसे ऊपर माने जाते हैं, हमारे भगवान हैं, ये उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ब्रह्मा इज लाइफ गिवर, विष्णु सस्टेन्स द लाइफ एंड शिवा इज द डिस्ट्रॉयर ऑफ लाइफ। ब्रह्मा जीवन देते हैं, विष्णु जी हमें जिंदगी जीना सिखाते हैं, जिंदगी जीने में मदद करते हैं, और शिवा वो जिंदगी को खत्म करते हैं। What is the significance of various colors used in the poem? अब देखिए इस कविता में बहुत तरह के रंगों का इस्तेमाल किया गया है, तो उसका महत्व क्या है, वो कैसे महत्वपूर्ण है। The poetess has used colors to symbolize the stage of various stages in human life. अब ये जो कविता है उसमें जो कवित्री हैं वो अलग अलग रंगों का इस्तेमाल करके इंसान के जीवन के अलग अलग पड़ाव के बारे में बताती हैं। द ब्लू कलर एसोसिएटेड विद अ चाइल्ड्स रोब इज कलर ऑफ ऑप्टिमिज्म एंड होप्स फॉर फ्यूचर अहेड। अब जो नीला रंग है वो एक बच्चे के कपड़े से जोड़ा गया है, जिससे हम लोग आगे भविष्य को, अच्छे भविष्य और इंसान की खुशी के बारे में बात करते हैं। The bright and purple green colors of a queen signify youthfulness, vigor and energy. अब जो ब्राइट पर्पल कलर और ग्रीन कलर का इस्तेमाल किया गया है एक रानी के लिए, वो उसके जवानी के बारे में, उसके खुशहाल जिंदगी के बारे में, उसके तेज के बारे में, विगर एनर्जी ये सब चीज़ के बारे में बताती है। दे ऑल्सो मीन डिज़ायर टू लिव हैप्पीली। इसका मतलब ये भी है कि हम लोग जो जीवन है वो हमारा, वो हम लोग खुशी से जीना चाहते हैं। द वाइट कलर ऑफ डेड मैन श्राउड सिंबलाइज इटर्नल पीस एंड काम दैट कम्स विद डेथ। और जो सफ़ेद कफन का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे, वो हम लोग को ये बता रहा है कि हम लोग के अंदर एक शांति होनी चाहिए। हम लोग बोलते भी हैं कि जो मर गया उसको शांति मिले, तो सफ़ेद रंग शांति की ओर दर्शाता है, और ये भी बताता है कि मृत्यु के बाद इंसान का जीवन शांत हो जाता है। हाउ डज द पोएटेस कंपेयर थ्री फेजेज ऑफ अ डेज टाइम विथ ह्यूमन टाइम। यहाँ पे जो कवित्री हैं वो दिन के तीन अलग अलग पड़ाव को इंसान के जीवन से कैसे जोड़ती हैं। The poetess compares the morning with the birth of a new baby. जो कवित्री हैं वो सुबह का समय एक नवजात शिशु के साथ इसका तुलना करती हैं। She then relates the youth of human with the noon time of the day. फिर दोपहर के समय, शाम के समय को वो इंसान के जवानी के साथ तुलना करती हैं, उसके साथ उसका मेल दिखाती हैं। From there she turns to night time where she links to the last stage of human life, that is death. फिर वहाँ से वह रात के समय में जाती हैं और बताती हैं कि यह इंसान के जीवन का आखिरी पड़ाव है जो कि है मृत्यु। दिस साइकिल ऑफ डेज एंड द ह्यूमन लाइफ गोज ऑन कंटिन्यूसली एंड एंडलेसली। अब ये जो इंसान का साइकिल है, जीवन में आना, जन्म लेना, उसके बाद आप जन्म लेने के बाद क्या करते हो, अपनी जवानी को जीते हो, अपनी जिंदगी के हर एक पड़ाव को जीते हो, आप खुश होते हो, आप दुखी होते हो, फिर अंत में आप मर जाते हो।